नमस्ते तो हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे लेकिन अगेन उसके पहले ये बात स्पष्ट हो जाए जैसे कर्मयोगी वो नहीं है जो सारे दिन काम कर रहा ऑटोमेटिकली चाहे वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो या किसी देवस्थान में काम कर रहा हो कर्मयोगी वो है जो कोई भी कर्म कर रहा हो सारे कर्म वो योग युक्त होकर के भगवान से युक्त हो के जिसका माध्यम है समर्पण स्मरण तब वो कर्मयोग होता है कुछ भी काम हो सकता है वो सिलाई बुनाई कढ़ाई कुकिंग वॉकिंग लिसनिंग स्पीकिंग एवरीथिंग उसी प्रकार से ज्ञान योगी वो नहीं है जिसने बहुत कुछ पढ़ा है बहुत लेक्चर दिए हैं या किताबें लिखी हैं वह पांडित्य है और उसका अपना स्थान है जैसे हम कर्मठ होते हैं तो कर्तव्य के हिसाब से कर्म करते हैं इवन मॉरल आइडियाज से तो एक हमारे एक व्यक्तित्व के अंदर एक आ, अच्छी एक सुदृढ़ता आती है वो एक बेस है कर्म योग नहीं है लेकिन कर्मयोग के लिए वो एक तैयारी बन सकती है उसी प्रकार से किताबें पढ़ना भगवान की उनको स्मरण कर लेना उन पर लेक्चर दे देना उन पर और किताबें लिख देना ये ज्ञान योग नहीं है ये ज्ञान योग की तैयारी हो सकती है ज्ञान योग क्या है जैसे कर्म योग की परिसमाप्ति है भगवान के संकल्प से नाचना वो कहें चुप हो जा तो चुप हो जाना वो बोलने को बोले तो बोलना शेरविंद इसका एक उदाहरण देते हैं कि तलवार है उसको रखा हुआ है भगवान ने साथ में बांध के अपने उसके अंदर उसका जो शीत है तलवार खुश है ये नहीं कह रही है मेरे को निकालो कुछ करो नहीं वो खुश है जब उसको निकाला द सोड इज ए जॉय इन प्ले एंड द बैटल उसमें भी प्रसन्न है फिर वो टूट गई और उसको किनारे डाल दिया गया उसमें भी वो प्रसन्न है क्योंकि उसका जीवन धन्य हुआ उसी प्रकार से ज्ञान योग किताबों को पढ़ना लिखना ये सब का अपना स्थान है ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए वो एक तैयारी होती है उससे क्या होता है मन सपल बनता है प्लास्टिक होती इंटेलिजेंस विशालता की ओर जाती है जिसमें ज्ञान आ सकता है क्योंकि यदि हमारी दृष्टि दृष्टिकोण संकीर्ण है तो ज्ञान नहीं आएगा यदि हमने अपने आप को किसी एक फिलॉसफी या सिस्टम से बांध रखा है बुरी तरह जकड़ करके तो ज्ञान नहीं आएगा क्योंकि ज्ञान संकल्प जो भगवान की जो ऊर्जा उसी की तरह ये भगवान की जो शक्ति उसी की तरह ये अनंत है और वो अपने को नित नवीन रूपों में प्रकट कर सकता है इसकी ये दैट्स वाई इट इज़ इन्फिनिट विजडम है उसको आप किसी डॉगमा में नहीं बांध सकते हैं ऐसे ही ये करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए भगवान की मर्जी है किसके साथ कैसे खेलेंगे कैसे प्रकट करेंगे तो ज्ञान तब आता है जब हमारा मन धीरे धीरे हमारी चेतना प्लास्टिक सपल अंतर्मुखी ऊपर की ओर मुड़ने लगती है ढूंढती है सीकिंग एस्पिरेशन तो वो कंसंट्रेशन उस एक के ऊपर और उस एकत्व को देखना उसमें जीना उसके आधार पर जीवन का निर्माण करना यही ज्ञान योग की परिसमाप्ति है उस एक को एकत्व विश्व चेतना में प्रवेश क्यों क्योंकि हम हर चीज के अंदर उस एक को प्रकट होते देख रहे हैं उस एक को किसी सिस्टम में नहीं बांध सकते हैं कृष्ण जी ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे ऐसी चेष्टा मत करिएगा वो सब रूल्स तोड़ देंगे उसके बाद आप बोलोगे आप बहुत नटखट हो बोलेंगे हाँ नटखट नागर आप कोई बांध आप कोशिश करिए कृष्णी को कोई फॉर्मेट में लाने की यू जस्ट नॉट वैसे ही माँ श्री अरविंद को आप किसी फॉर्मेट माँ टेनिस खेलते खेलते योग करा रही हैं कभी सोचा है कि गुरु टेनिस खेल रहे हैं और टेनिस करते करते आपकी प्रगति होती जा रही है माँ ने इस चीज को बताया है तो ज्ञान को भी हम किसी फॉर्मेट में नहीं बांध सकते हैं हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए ज्ञान योगी का हर चीज में कंसंट्रेशन उस एक पर होना चाहिए जिसके लिए हम लोग किसी आइडिया या किसी नाम उसका सहारा ले सकते हैं कंसंट्रेशन पेज थर्टी एट दिस कंसंट्रेशन प्रोसीड्स बाय द आइडिया यूजिंग थॉट फॉर्म एंड नेम एज कीज विच ईल्ड अप To the concentrating mind, page 38, 38, which yield up to the concentrating mind the truth that lies concealed behind all thought, form, and name. Any idea? Bhagwan Sarvatra, it can be that idea. All is in the divine, divine is in all, or start with God is inside me, mother is in me. Name Sri Arvind. ओम मदर श्योरबिंदो मा 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 सिंपलेस्ट होम से भी सरल मा 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 माँ की छवि तो ये कंसेंट्रेशन एक एक दिन क्या करता है उस भूमि पर ले जाता है जहाँ ग्रैंड डिस्क्लोजर होता है क्या डिस्क्लोजर होता है शी इज नॉट जस्ट दी मदर ऑफ श्योरबिंदो आश्रम पाण्डिचेरी ऐसे कई बार लोग कहते हैं ना इज द एक वो तारचंद बड़जात्या जी की पिक्चरें आती थी उसमें माता जी को पहले होमेच होता था राष्ट्रीय प्रोडक्शन बाद में उन्होंने बंद कर दिया पिक्चर अभी फ्लॉप होनी शुरू हो गई अभी दे हैव स्टार्टेड अगेन आई एम नॉट कनेक्टिंग द टू भट इट्स ए फनी स्टोरी तो उसमें माँ का फोटोग्राफ आता था उसमें नीचे लिखा होता था द मदर ऑफ श्योरबिंदो आश्रम पांडिचेरी दोस्ती पिक्चर में जब पहली उनकी वो आई थी आई वॉज सो हैप्पी पर मुझे लगा ये मदर ऑफ श्योरबिंदो आश्रम पांडिचेरी इतना सीमित क्यों कर दिया शी अरबिंद माँ का परिचय हमको दे रहे हैं माता पुस्तक में आपने देखा वो उसमें कहीं लिखते हुए दी मदर इज द मदर ऑफ श्योरबिंदु आश्रम पांडिचेरी यस वो उनका एक कर्म है वो एक बहुत आवश्यक कर्म है लेकिन वो हम सबकी माँ हैं ए वंडरफुल मदर ऑफ अनबर्ड सोल लव इन हर वाइडर देन द यूनिवर्स द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट दी वन होम वी अडोर इज द डिवाइन मदर इज द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम ये रियलाइज होता है यदि हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा है तो एक दिन ये रियलाइज होगा कि वो सर्वव्यापी हैं सर्वत्र हैं सबके अंदर हैं तो कितना आनंद का वो विषय होता है तो ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर इट इज थ्रू द आइडिया दैट द मेंटल बींग राइजेज बियॉन्ड ऑल एक्सप्रेशन टू दैट विच इज एक्सप्रेस्ड टू दैट ऑफ विच द आइडिया इट्सल्फ इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट आइडिया एक vehicle है गाड़ी है ये बात हुई ना वो गाड़ी ले जाएगी आपको टेम्पल माउंटेन के वहाँ तलाटी में उसके बाद आपको चलना है पैदल थोड़ा एफर्ट करना है तो ये नाम और रूप आइडिया ये एक माध्यम है बहुत सशक्त माध्यम है अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें तो मदर इज़ इन ऑल मदर इज़ एवरीवेयर माँ इज एवरीवेयर फिर एक दिन ये एक एक्सप्लोजन होता है अंदर उस आइडिया के अंदर जो शक्ति है वो अपने को रिलीज़ करती है और हम उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं इसी को गीता कहती है ब्रह्मभूत ब्रह्मर्पणम और कहती है जब आदमी उस चेतना में उठ जाता है तो उतना ही वेदों का उसके लिए महत्व होता है वेद की बात कर रहे हैं जितना एक समुद्र में जो व्यक्ति है उसका एक लुटिया पानी के का जो क्योंकि क्यों वो उस सत्य को उसने पा लिया है जहां ऋषियों ने दर्शन किया था उसने उस धरती के अंदर छिपे वेद को पढ़ लिया पढ़ने लगा तो ये होता है योग By concentration अपॉन द idea, द मेंटल existence which एट प्रेजेंट वी आर ब्रिक्स open द barrier ऑफ our mentality.

हरिवंश राय बच्चन की ये बात नहीं कहेंगे इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार ना जाने क्या होगा <laughs> उल्टा कहेंगे उस पार प्रिय तुम हो मधु है इस पार तो जाने क्या है क्या क्या है <laughs> और फिर आप नॉक करेंगे अब यहाँ क्या हो रहा है भगवान ही नॉक कर रहे हैं आप कर रहे हैं माँ मा 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 नित निरंतर जब तक कि वो अजपा जप नहीं हो जाता अब भगवान क्यों इतनी डिले कर रहे हैं क्योंकि वो खुलेगा ना तो आपके सारे मापदंड खत्म हो जाएंगे जो कुछ सोचा समझा जाना क्योंकि आइडिया केवल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है हम मदर से एक ह्यूमन इमेज और भगवान भी उसी इमेज में आ जाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो कंफर्टेबल है ना जब श्री कृष्ण को एक बार पूछ लिया ना अर्जुन ने आप हैं कौन कहते हैं अच्छा अब जब वो विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन जैसा योद्धा कांपने लगता है उसका पहला रिएक्शन क्या होता है दिवारे दिवारे दिवारे। हाँ एक और तो मुझे हर्ष हो रहा है दूसरी ओर मैं भय से कहा मेरे गा कांपने लगता है वो कि ये कौन आ गए मेरे सामने इनके कंधे पर मैं हाथ डाल के घूम रहा था ये कौन है और क्या कहते हैं वो अपने वो थोड़ा डायल्यूटेड फॉर्म में आप आइए चतुर्भुज रूप वैसे ही उन्होंने जब श्री राम जी ने माता कौशल्या को बचपन में रूप दिखा दिया था तो क्या कहती ताती तातीह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला वह सुख परमा अनुपा ये वाला मत दिखाओ ब्रह्मांड की चेतना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक सुरभूपा क्लियर है तू तो हिंदी सिंपल उसी प्रकार से एक और भजन किसी ने लिखा है ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर नेति नेति जाको श्रुति गावे सो ब्रजराज आज जननी की माता की बाहा पकड़ चली वो सिखलावे जाके भय डोलत नब धरणी काल कराल जासे भय खावे वो क्या कर रहे हैं यशोदा माँ की उंगली पकड़ के वो उन वो फेंट हो गई थी उन्होंने एक बार रूप देख लिया मट्टी खा के दिखाओ तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया फेंट हो गई तो वो फिर कहते हैं वो बाँ पकड़ के माँ मुझे बांध के थोड़ा वो वाला करो ना मक्खन वाला मक्खन चोरी खेल <laughs> तो ये हम तैयार नहीं हैं तो धीरे 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 डोर खोलता है ग्लिम्स होती है नहीं तो क्या होगा हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे विलीन हो जाएंगे इट इज टू ट्रमेंडस नचिकेता यम से पूछते हैं वो कौन है जिससे तुम भी डरते हो वो कहते हैं मैं डरता केवल बोल रहे हो तुम उसको जानना चाहते हो जिसके सामने ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कांति ना तत्र सूर्यो वो जहाँ सूर्य का प्रकाश काला धब्बा दिखाई देता है वहाँ जिसके भोजन में रोज सेजेस और हीरोज भोजन की तरह परोसे हुए हैं और स्वयं मैं मृत्यु उसके खाने में मसाले की तरह हूँ कुतो यम अग्नि कौन सी अग्नि है तेरे पास जो उसका दर्शन करेगा इसलिए हमको धैर्य रखना चाहिए जो धैर्य रखता है वही इस योग में जीवन में किसी भी चीज में सक्सेस इसीलिए उपनिषद केवल एक शब्द कहती तमात्मस्थम ये नु पश्य धीरास्तेषा सुखम शाश्वती नेतिरेशा नित्यो निम चेतनश्चेतना एको बहुनाम यो विधताति कामान जो सारी अनित्य वस्तुएं उसमें जो नित्य है जो सारी जड़ चेतन के अंदर जो एकमात्र चेतना है जो एक है किंतु बहु बन गया है एको बहुनाम यो विधदाति कामान क्योंकि उसकी ही अपनी प्रेरणा से बना उसको कौन देखता है तमात्मस्थम ये नु पश्य धीरा तेषा शांतिम शाश्वती नेतरेशा वो शाश्वत शांति को प्राप्त होता है तो एक लंबे समय तक ये कंसंट्रेशन इसकी कोई अवधि नहीं कोई सीमा नहीं और कुछ समय बाद तो बस नाम में ही आनंद आने लगता है श्री और बिंदो नामे आनंदो जोगी राजो नमो नमः मीरा माता जगध करुणामोई नमो नमः इट शुड बी दैट जब नाम में आनंद आने लगे जब नींद में भी कोई उठाए माँ तब वो रम गया है व्यक्ति कंसेंट्रेशन बाय द आइडिया इज देन ओनली ए मींस ए की टू ओपन टू अस द सुपर कॉन्शियंट प्लेन्स ऑफ आर एग्जिस्टेंस ए सर्ट एन सेल्फ गैदर्ड स्टेट ऑफ अर होल एग्जिस्टेंस लिफ्टेड इन टू दैट सुपर कॉन्शियन ट्रथ ट्रूथ यूनिटी एंड इन्फिनिटी ऑफ सेल्फ अवेयर सेल्फ ब्लिस्फुल एग्जिस्टेंस इज द एम एंड कल्बिनेशन एंड देट इज द मीनिंग वी शेल गिव टू द टर्म समाधि समाधि वो नहीं है जिसमें हम बाहर की जगत के प्रति विलुप्त हो गए समाधि वह है कि जब ऊधो आके कहते हैं गोपियों तुम लोग मूर्ख हो कृष्ण परब्रह्म ब्रह्म है तुम लोग क्या पागल की तरह कृष्ण कृष्ण करती रहती हो तो गोपी कहती है आप बता दीजिए क्या करना है बैठो इस तरह सीधा बैठना रीढ़ की हड्डी सीधी रखना उसके बाद श्वास लेना प्राण कहते एक मिनट एक गोपी हाथ उठाती है <laughs> क्या हो गया बहुत छटपट प्राण एक है श्वास एक है हमने दे दिया ना कृष्ण को कौन सा लाए अब दैट इज कॉल्ड एन ऑल एम्ब्रेसिंग कंसेंट्रेशन इसी को बोला गया है सहज समाधि साधो सहज समाधि भली आप बैठ के अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको एक इट हेल्प्स टू डिसिप्लिन लेकिन अगर वो डिसिप्लिन केवल डिसिप्लिन के लिए नहीं रहे वो सच में खोज है तो स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन कंसंट्रेशन फिर एक दिन आता है जब वो साथ चलते हैं तब आप अरे आप मेडिटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इट बिकम्स मीनिंग लेस क्योंकि उसने अपने को रिवील कर दिया है तो बहुत सुंदर है अद्भुत है आई एम हैप्पी कि क्वेश्चन हैं सो देट वी कैन टच अपॉन लिटिल वाइडर एस्पेक्ट्स हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द डिवाइन गाइडेंस सटे डूज एंड डोंट्स डिवाइन गाइडेंस को पहले इतना शांत हो जाना चाहिए मन समता में कि कोई मेंटल फ्रेमवर्क में नहीं बंधा हो मतलब प्रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए डिवाइन गाइडेंस एक, एक बार किसी ने माँ को कहा मैं तैयार हूँ भगवान जो मुझे बोले वो करने के लिए तैयार हूँ हाँ मैं हिंसा नहीं करूँगा पर भगवान मुझे भला क्यों बोलेंगे तलवार उठाने को तो माँ कहती हैं अगर बोल दिया तो तुम कैसे कह सकते हो अर्जुन को तो बोल दिया था यही बोला था कोई मापदंड में नहीं मैं तो अहिंसा ही करूंगा डोंट ट्राई टू टाई द डिवाइन इन एनी आइडिया हाउ एवर हाई वो आइडिया अपनी अतिशयता के कारण मिथ्यात्व बन जाता है किसी भी आइडिया को अगर आप उसी को एकमात्र बना लेते हो तो वो अपनी अतिशयता के कारण मिथ्यात्व बन जाता है और भगवान तो अनंत हैं एक होकर भी तो इसीलिए पहली चीज है समता शांति और कोई प्रकार की अपेक्षा भगवान गाइडेंस चाहिए आप बोल देना ना वो दिशा मुझे दे देना आपसे गाइडेंस चाहिए कि मैं ये वाला जॉब चुनूं कि नहीं चुनूं पर एक्चुअली ना इस जॉब में पीछे में एक बैकग्राउंड नॉइज चल रही है पैसा ज़्यादा मिल रहा है देख लेना भगवान अब उन्होंने कुछ और कह दिया तो आप बोलें नहीं नहीं ये तो भूल से बोल दिया होगा तो मुख्य चीज़ है इन पीस एंड साइलेंस द इटरनल मैनिफेस्ट शांत रहिए अंदर से एक सूक्ष्म प्रेरणा के रूप में भगवान को लाउड नॉइज ढोल बजा के नहीं बोलते हैं ऐसा कर ऐसे नहीं बोलते हैं वो तो एकदम अर्जुन को लास्ट उसके बाद भी वो कहते हैं करना है तो कर मैंने कह दिया जो कह, कहना था अब आगे तेरी मर्जी भगवान कभी ऐसे इम्पोज करके बहुत रेयर ऐसा होगा अगर आप उनके बहुत ना केवल परम सखा हैं बल्कि आप एक विशिष्ट यंत्र बनने वाले हैं तब ही मैं डू अदरवाइज उनकी गाइडेंस ऐसी होती है जैसे मम्मी की होती है ना बच्चा जब कहता है माँ मैं जा रहा हूँ आज ये नाइट आउट के लिए माँ कहती हैं ओके okay, अब वो आप इंटरप्रेट करो वो हाँ है कि ना है फिर आप अगर सुन लेते हो आप समझ जाते हो कि ये एक्चुअली में ना है तो माँ बहुत खुश होती है आपके लिए स्पेशल खाना बनाती है ताकि बच्चा मिस ना करे ना जो कुछ फिर एक दिन कहती मैं घर में ही ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी पार्टी मेरे सामने है और अगर आप चले जाते हो तो माँ डिस्कार्ड नहीं करती हैं वो ट्रैक रखती हैं उनका अपना तरीका हर माँ का ट्रैक रखने का आप एस एम एस कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपको पोस्ट को पता है एस एम एस नहीं करोगे लेकिन आपके सारे फ्रेंड्स के नंबर हैं पास में <laughs> है ना करेक्ट डोंट एंटर अंडर एस्टिमेट अ लव वो करेंगी आपको अपने हिसाब से तो भगवान की गाइडेंस ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुनी तो नाराज होकर पनिशमेंट दे दिया ही विल टेक यू आपको रीरूट करते रहेंगे वो लेकिन कभी कभी रीरूट करने में बड़ा जबरदस्त झटका भी दे सकते हैं अगर उनको लगा एकदम तो क्या करने वाला है तुझे फ्रीडम दी इसका क्या मतलब है गड्ढे में गिरेगा पकड़ के आपको कुछ ऐसा होगा पर डिवाइन गाइडेंस से एक बड़े सूक्ष्म जेंटल नज वॉइस वॉइस भी ऐसे नहीं बोल रही हो डो दिस डोंट डो दिस दाउ नॉट खिल दाउ शल्ट ऐसे नहीं कमांड देते हैं भगवान <laughs> भगवान बड़े ऐसे आपको लग रहा है देख ले ना कर तो अच्छा है हल्का सा नॉइज के साथ नहीं सुन सकते हैं करेगा तो अच्छा है वाणी नहीं है आपको अंदर से इंडिकेशन जैसे एक, एक पेरेंट्स है ना या जो दो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं खासकर जो विमेन हैं कि मैन उनके इशारों को समझेगा बहुत बड़ा विज्ञान है ये जिसमें जहां तक मैं जानता हूं ऑल मैन फेल यूनिवर्सली एंड वुमेन डोंट अंडरस्टैंड कि ये इसको क्या है ये इतने साल मेरे साथ अब तक इसको नहीं पता है मेरी चॉइस क्या है <laughs> तो भगवान भी वुमेन है ये शेयरविंग का एक एफोरिज्म है? है कि जब तक मैंने जब मैंने जाना वेन आई न्यू दैट गॉड इज ए वुमेन देन आई लर्न समथिंग अबाउट लव बट वेन आई बिकेम अ वन देन आई रियलाइज वट गॉड इज़ अटरली तो गॉड इज ए वुमेन वो क्या करते हैं इशारों इशारों में उनको उनको मज़ा आता है इसमें खेल में वी शुड ऑल्सो एन्जॉय अब आप रीड करिए उस मुस्कान के कितने मतलब होंगे उस झलके से नज के कितने मतलब होंगे ये अपने आप में एक पूरा एक नाट्य शास्त्र जैसे होते हैं ना <laughs> उस शास्त्र बन सकता है भगवान की वाणी बट डोंट एक्सपेक्ट ए लाउड बूमिंग नॉइज डू दिस डोंट डू दिस मॉरल नोशंस तो बिल्कुल नहीं लोगों को शौक लग सकता है ये मॉरल नोशंस नहीं करते अब देखिए अर्जुन को उन्होंने क्या कहा था जाओ सुभद्रा को साथ लेके चल अब ये बताइए ये तो भगवान का कमांड था <laughs> कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान ऐसे बोलेंगे क्योंकि उनको प्रेम की मर्यादा उसका ध्यान था अब ये बहुत सारी भगवान के अंदर ये नोशंस नहीं होते हैं ऐसे वैसे पर इससे आप ये कंसेप्ट नहीं निकाल सकते कि भाई कोई भी दो व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं लेके भागे तो भगवान की मर्जी है डोंट टाई हिम इन टू एनी मेंटल फॉर्मेशन तो जितना हम प्रेफरेंसेस से फ्री होंगे उतना हम भगवान को करेंगे और हम उनकी वाणी फॉलो कर रहे हैं इसका क्या संकेत होगा ग्रोइंग पीस एंड लाइट ग्रोथ ऑफ वर्ड लव जहां रेस्टलेसनेस है वहां डिजायर बैठा हुआ है भगवान का रूप धर के जहां अंदर में कुछ छटपट छटपट ये चीज मिल जाए नहीं मिली अब भगवान आप सेंक्शन कर दो भगवान ने कहा ठीक है जा पर आपको रेस्टलेस हो रहा अरे ये मिल गई भगवान ने सेंक्शन कर दिया इट इज डिजायर डोंट से कि माँ की मर्जी थी इसलिए मुझे मेरी मनोवांछित कामना पूरी हो गई नहीं हमारी डिज़ायर थी हमारी मर्जी थी भगवान ने कहा देख ले इसको भी चख के बाद में वही स्वाद तुझे आना है कड़वा निकलेगा करेला है नीम चढ़ा नहीं है चाशनी में डुबोया हुआ है बाद में पता चलेगा ठीक है तो भगवान कई बार ऐसे भी करते हैं कि चल तू अपने इच्छा के हिसाब से जा सो इट इज़ वन हैज़ टू है वेरी सपल वास्ट कॉन्शियसनेस तब भगवान तब तक क्या करना चाहिए डू अकॉर्डिंग टू योर हाइएस्ट रीजन है या आपके अंदर में जो भी अंतर्वास आ रहा है उसके हिसाब से हृदय की गहराई में जो चीज़ प्रकट हो रही है हृदय की गहराई में क्योंकि ये भगवान का वास यहाँ पर है निवास माइंड में घूमते रहेंगे तो नहीं सुनाई देगी यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कहाँ है भगवान हृदय गुफा में इसके अंदर हैं जहां से वो सब चीज़ को घुमा रहे हैं तो यहाँ गहराई में एक तो सरफेस हार्ट है जिसमें बहुत सारी भावनाएं तरंगों के रूप में उठती हैं और उसकी गहराई में हम उतरेंगे तो भगवान है एक ल्यूमिनस पीसफुल प्रेजेंस के रूप में जब वो अंदर में शांति की अवस्था आ जाए तो प्रतीक्षा कीजिए इसका एक सिंपल और एक तरीका है जब श्योर नहीं है लग रहा है ये भगवान की प्रेरणा है ये सब अजमाए हुई चीज़ें हैं गिव योर टाइम लग रहा है भगवान की प्रेरणा है लेकिन एक दिन रुक जाता हूं भगवान की प्रेरणा है तो फिर आएगी डोंट एक्ट वेट फॉर अ डे यू विल सी द डिफरेंस हो सकता है प्रेरणा हो पर दैवी प्रेरणा और दिव्य प्रेरणा में अंतर है ये सारी चीजें इसलिए जितना हम शांत होते जाएंगे अंदर उतना अधिक हमको भगवान की प्रेरणा के रूप में अंदर से उनका संकल्प उद्घाटित हो इट कम्स एज एन इंस्पिरेशन इट में कम एज ए विल जो हमको सीज करती है ये करने यो कर्तव्यम कर्म है आई मस्ट डू इट ये भी आता है अलग अलग तरह से भगवान की प्रेरणा शांत होकर तब तक जब तक वो नहीं आती एक्ट अकॉर्डिंग टू योर हाइएस्ट नॉट थ्रोइंग अवे कॉमन सेंस कि हमने सॉन्सरेंडर कर दिया है रीजन है डिसर्निंग इंटेलेक्ट है बुद्धि है और उसको भगवान को ऑफर कर दीजिए कि मेरी बुद्धि तो मुझे इतनी बता रही है आगे आप जानो तो आपने डिसीशन ले लिया अब वो लगाम दे दीजिए भगवान को उसके बाद सक्सेस या फेल्योर दोनों में संभाव से रिसीव करिए विक्ट्री इज दाई पैसेज मिरर थ्रू फॉर्चून्स ग्लास फेल्योर इज क्रेडल्ड ऑन दाई डेथलेस आर्म्स इस भाव से गो थ्रू लाइफ स्वकर्म व स्वधर्म स्वभाव व स्वधर्म होता है आ, स्वकर्म हम कह सकते हैं बट जनरली इट इज नॉट टेक्निकली यूज टर्म हर किसी के अंदर भगवान एक विशेष प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं वो ऐसा नहीं कि फिक्स्ड होता है किसी के अंदर स्वधर्म द राइट लॉ ऑफ योर बींग अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम ऐसे लें स्वभाव से जुड़ा हुआ है स्वभाव क्या है आई ए बी ए सीकर ऑफ नॉलेज और मेरा स्वभाव है तो मेरा स्वधर्म क्या होगा हर चीज में मैं अज्ञान की गांठ को खोलूं और ज्ञान को जिसका स्वधर्म ज्ञान की ओर है या ज्ञान को पाना है ज्ञान को प्रकट करना हर चीज में अब उसके हाथ में अगर आप तलवार पकड़ा दोगे या उसको बिजनेस में लगा दोगे तो वो नहीं कर पाएगा ये उसका स्वधर्म नहीं है उसका हाल होगा गुरु नानक जी जैसा गुरु नानक जी को दुकान पे बैठा के गए कि तू तो बेच आके देखा सब चला गया क्या हुआ पैसे उसने बोला था चौदह आउंस जो भी था माप दो मैं एक दो तीन चार तेरा तेरा आप तेरा पे वो ऐसा तेरा सब तेरा करते करते वो सब तेरा हो गया <laughs> क्योंकि उनका स्वधर्म क्या है उनका है टू अराइव एट द हाईएस्ट अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय है अगर वो भागेगा तो ये वो वह जो भगवान ने उसको नियत किया इट इज द डिवाइन पर्पस इन ईच वन हर किसी के अंदर वो अलग ढंग से यदि अर्जुन बुद्ध बनने का प्रयास करेगा तो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण मिथ्याचार भाग रहा है यहाँ से बोल रहा है मैं तो सन्यासी हूँ हे केशव मैं बगल में बैठ के भज गोविंदम भज गोविंदम करूंगा श्री कृष्ण कहते हैं व्हाट नॉन लेकिन बुद्ध अगर बोलते मैं युद्ध लड़ूंगा साक्य सम्राट बनूंगा तो श्री कृष्ण उनको भी कहते हैं व्हाट नॉन सेंस तो जाके खोज परमानेंट रेमेडी तो स्वधर्म देखिए ये कोई बाहर से निश्चित नहीं है जो एक चीज जो बुद्ध के लिए है अर्जुन के लिए उसकी वो दूसरी चीज है तो स्वधर्म वो जो हमारे अंदर भगवान की प्रेरणा भगवान का प्रयोजन है और वो भी तब पता चलता है जब हम अपने स्वभाव को स्टडी करते हैं अनफॉर्चुनेटली बचपन से सॉरी टू से माता पिता शिक्षक और समाज एक वायरस अंदर डाल देता है जिसका नाम है महत्वाकांक्षा बस खत्म हो जाती है सारी चीज़ें तो सुधर्म स्वभाव हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर योगा ये कितना सरल बना देता है आपका पथ क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो आप वो कर रहे हो जो भगवान का पर्पस आप में है ऑलरेडी तो अब ऑलरेडी आपने अपना रूट करेक्ट कर लिया है अब आपको उस पर चलते जाना है राइट एटीट्यूड लेके पर अगर वो आपका सुधर्म नहीं है आपका एटीट्यूड तो सही है लेकिन वो सुधर्म नहीं है आपका तो हर कदम पे आपको कन्फ्लिक्ट आएगी क्योंकि आप रॉन्ग ट्रैक में रन कर रहे हो भगवान आपको इस ट्रैक में डालेंगे हर बार आप छटपटा के उधर नहीं नहीं मेरे माता पिता ने तो ये सिखाया भगवान कहेंगे मैं तुझे ये सीख तेरा ये तेरे अंदर ये पर्पस दिया है मैंने तुझे जाना है भारत भारत की बॉर्डर्स पे रक्षा करनी नहीं नहीं मेरी मम्मी ने कहा बेटा वहाँ लाडला है तो वहाँ पर बड़ा टैंक वैंक चलते हैं तो क्या हो रहा है बच्चा छटपट छटपट कर रहा है यही हुआ था ना शंकराचार्य की लाइफ में मम्मी उनको नहीं जाने दे रही थी तो बुरा उन्होंने स्वांग रचा कि मगर मच्छर ने पकड़ लिया अरे अरे बेटा ये हो गया वो हो गया कहते पहले तुम बोलो कि तुम सन्यास देने को मुझे तैयार हो रेडी हो तो बोले ठीक है जा तो बच जाएगा तो सन्यास दे दूंगी मैं भगवान आप बचा लो अब वो था तो कुछ भी नहीं तो बच जाते हैं तो कितनी मुश्किल होती है ना आपको अपने स्वधर्म की ओर सब लोग इस, इसी में रह जाते हैं कि ये तो वो मेरा जीवन है ही नहीं जो जिसके लिए मैं बना हूं। आधा जीवन उसी में वेस्ट हो जाता है तो अपने जीवन की सही धारा को दिशा को पकड़ना इसको अलग अलग नामों से वट इज द फॉर्म प्रेजेंट इन योगा रिलेटेड टू दिस तो ये जो बात बताई है कि अगर योग के लिए भी अधिकार भेद इसीलिए सनातन धर्म में कोई कन्वर्शन का कंसेप्ट नहीं है अधिकार भेद आप अगर सीख कर रहे हो शेरवी ने लिखा इफ यू हैव द सीकिंग The guide and the guidance will come. तो ये अगर आपका सुधर्म है जिससे मूव हो कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक जीवन उसको जीने की समझने की अंदर में प्रवृत्ति जगी है तो मतलब वो गाइडेंस प्रारंभ हो गई है उस दिशा में और यदि वो प्रेरणा नहीं है तो एक अच्छा जीवन जियो सुंदर जीवन जियो अच्छे एटीट्यूड से जीवन जियो जिससे आज नहीं तो कल इसके लिए तैयार हो सो so, इस सेंस में इट हेल्प्स अस पृथ्वी पर इतने आत्मा जो जन्म लेते हैं वो आते कहां से हैं? एक से ही आते हैं हर चीज में आंसर इज वन एक से कितने आ सकते अनंत हैं कैलकुलेट कर लीजिए अनंत है वो. वो एक सीमित नहीं है अनंत है तो फिर अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया तो क्या होगा अरे उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो पूरी सृष्टि को एक क्षण में अनुलोम विलोम कर सकते हैं <laughs> उनके लिए सृष्टि को प्रकट करना और संघार करना इज अनुलोम विलोम आप पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं यहां इतना विनाशुरा है मैं विलोम <laughs> <laughs> तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट पर वो एक अनंत है उसी से आते हैं आत्मा विशुद्ध प्योर है तो क्या वो मृत्यु से सद प्रभुपद हो जाता है प्रमद हो जाता है शायद ही मेरे ख्याल से जड़ हाँ वो आत्मा सबकी अच्छी होती मन कोई देर इज नथिंग लाइक विकेड सोल वो शुद्ध सत है भगवान का ही अंश है तो उसके अंदर तो शुद्ध स्वरूप ही भगवान का अंश है लेकिन वो अज्ञान में लिप्त कैसे होता है जैसे आप हीरे को मट्टी में फेंक देंगे तो हीरा बदला क्या नहीं बदला पर मट्टी में होने के कारण उसकी चमक सब अंदर में दबी रह गई तो उसी तरह हमारी आत्मा सदैव भगवान से जुड़ी है जानती है वो डायरेक्ट लिंक है इसीलिए पहले उसको खोजना चाहिए लेकिन वो अज्ञान की कवरिंग में मिट्टी में सनी हुई है इसीलिए प्योरिफिकेशन क्या है प्योरिफिकेशन यहाँ पे मॉरल प्योरिटी की बात नहीं हो रही है वो आवश्यक है अज्ञान में लेकिन जब ज्ञान की प्योरिटी का मतलब है वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस है जो इसको इस पर मट्टी लगा के इसके पूरे प्रगटन में सहयोग नहीं कर करें उसको हटाना सारी जो प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं और जो आगे होगा यही है कि अज्ञान अज्ञान क्या है मैं शरीर हूँ अज्ञान क्या है मैं ये मन मेरे विचार हैं अज्ञान क्या है मैं ये कामनाएं हूँ अज्ञान क्या है मैं ये भावनाएं हूँ अज्ञान क्या है मैं ये विचार हूँ अज्ञान क्या है मैं ये क्रोध काम लोभ इत्यादि हूँ ज्ञान क्या है कि मैं माँ का शिशु हूँ लेकिन ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज से काफ़ी नहीं है वहाँ से प्रारंभ हो सकती है बट एंड में वो रियलाइज हो जाती है तो वो इसमें अब क्यों चिपकी है वो एक लाइफ डिवाइन है क्योंकि <laughs> वो प्रश्न में नहीं है इसलिए अभी मैं नहीं ले रहा हूँ पर उसका एक प्रयोजन है कि क्यों उसको यहाँ पे डाला गया है बड़ी सिंपल सी बात है जब वो बाहर निकलती है तो धीरे धीरे वो जो निश्चेतना जिसके अंदर चली गई थी उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगता है और वही अंधकार का प्रकाश में रूपांतरण है स्लोली एज इट इज़ पुल्ड आउट राजा जेल में चला गया अब निकला तो साथ में और कैदियों को छुड़ा ले आया और कई चीज़ें उसने देखा जेल में जाके कि जेल को तो बदलनी चाहिए हमको तो उसने उसमें भी रिफॉर्म्स लाया तो इसलिए ये प्रोसेस है पहले कभी भी मन में पूरा दिन नाम जब या मंत्र जब चालू रहता था श्री माँ का नाम स्फुटता था पर अब हमेशा श्री अरविंद का नाम मंत्र मैं जानता हूं कि दोनों एक ही हैं, पर वो जो हुआ ऐसा क्यों ये तो जॉय है नो no प्रॉब्लम दोनों एक ही हैं। अब ये तो क्यों अब ठीक है अब चूंकि क्यों पूछा है तो उसका एक आंसर है तो क्यों ऐसे है कि मां शेरविंद दोनों एक हैं, लेकिन दोनों की जो कार्य प्रणाली है थोड़ी भिन्न है इसीलिए उन्होंने दो रूप शेयरविंद कहा से कार्य करते हैं ऊपर से मन के सेंटर्स को खोलते हैं मां कहां से कार्य करती हृदय की गहराई से आपके तो मां नाम का जब चलना दोनों एक हैं लेकिन मतलब आपके हृदय केंद्रीय सत्ता साइकिक बीइंग इस पर कार्य हो रहा है और यह निकल रहा है श्री अरविंद के नाम का जब चलना मतलब आपके मन के और ऊपर के सेंटर्स खुल रहे हैं क्यों क्योंकि तो उनको देख उन्होंने देखा है कि भाई इसको अभी खोलना है अभी ज्ञान के लिए थोड़ी जगह बनानी है ये एक कारण है लेकिन जैसा मैंने कहा उनकी मौज मस्ती है अच्छी बात है और शेरविंद के नाम में भी कितना आनंद है तो इस ये इस कारण से नॉर्मली होता है दोनों एक हैं लेकिन दोनों के मोड ऑफ एक्शन अलग अलग हैं थोड़े यार इसीलिए आप देखते हैं कि आ, उन्होंने दो रूप धरे हैं और आश्रम के कंटेक्स में भी आप देखते हैं नॉर्मली श्री अरविंद तैयार करते हैं फिर माँ रिवील करती हैं नॉर्मली श्री अरविंद की वाणी लोगों ने पढ़ी आर्य के माध्यम से धीरे धीरे फिर आया टाइम जब एक दिन अचानक कुछ लोगों को लगा माँ आई है, ये तो कुछ हैं महान कोई योगी क्योंकि दिव्य प्रेम के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता है दिव्य प्रेम के अंदर रूपांतरणकारी शक्ति है पहले शेयरविंद भूमि को तैयार कर देते हैं माँ को आवाहन करते हैं फिर माँ की ओर मुड़ना होता है दिस द नॉर्मल कोर्स इन दिस योगा पर अगर प्रारंभ ही माँ से हुआ है तो फिर ये तो मतलब एक पूर्व जन्मों का संचित कर्म है टू यूज़ दैट तो इट्स ए वेरी गुड साइन मीन्स वो स्टेज क्रॉस हो गई है और बीच बीच में शेरविंद आएंगे कहेंगे थोड़ा हमको यहाँ भी खोलना है दरवाजे हाउ टू मेंटेन इटर्निटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लव इन लाइफ ये जिसने लिखा है पक्का सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ा हुआ है <laughs> क्योंकि सिंथिस ऑफ योग में ये बात आती है कि लव दो चीजों को प्रेम दो चीजों को चाहता है एक इंटेंसिटी और एक इटर्निटी इटर्निटी रहती है तो इंटेंसिटी नहीं आती एक प्रेम एक बड़े सुंदर वो जो होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चलता है इंटेंसिटी आती है तो ऐसे चढ़ता है और फिर गिरने की टेंडेंसी दोनों को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट ह्यूमन लव में ये एक्चुअली इंपॉसिबल है फ्रेंकली पॉसिबल तभी है ह्यूमन लव में जब आपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पियर्स करके अंदर उसके डिवाइन ट्रूथ को देख लिया तब यह संभव है मतलब दोनों ही योगी हैं योगनिष्ठ हैं देन इट इज पॉसिबल क्योंकि तब इंटेंसिटी विल बी ओनली ए वेरिएशन ऑफ दी ओशियन ओशियनिक इटर्निटी दोनों को योगी योगिनी होना है और ये बड़ा डेंजरस ये प्रयास शेरविंद कहते हैं कि तंत्र में इसका प्रयास हुआ था लेफ्ट हैंड में लेकिन वो गिर गए बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट स्लिपरी स्लोप है और शेरविंद का योग वाला तंत्र नहीं है पर पहले हमको ये दोनों चीज़ें केवल डिवाइन लव में संभव है वो इंटेंसिटी और इटर्निटी दोनों मेंटेन रहती हैं तब उससे हम जब पोषित होते हैं तब इसकी हमारे अंदर संभावना बढ़ती है तब ये संभव है कि हम विश्व प्रेम में उस इंटेंसिटी और इटर्निटी को मानवीय प्रेम में हर चीज के प्रति हर वस्तु के प्रति हर व्यक्ति के प्रति उसको प्रकट कर सकें। माँ इसका उदाहरण है हर कोई को यह लगता था माँ मेरी स्पेशल माँ है भगवान कर सकते हैं कि कृष्ण जी नाच रहे हैं हर गोपी को लग रहा है मेरे ही कृष्ण हैं पर बीच बीच में जब दूसरी गोपी को देखती हैं कहती हैं अरे वो कहां से आ गई है ना ये स्टोरी बिकॉज श्री कृष्णा कैन डू दैट ही इज इंटेंस एंड इटर्नल एट द सेम टाइम तो ये तभी संभव है हाउ टू मेंटेन फाइंड द डिवाइन बिकम वन विद द डिवाइन

तो बंद हो जाता है माता जी का एक एग्ज़ाम्पल है जब एक का नाम नहीं लूँगा माँ उनको रोज़ देती थी वाइट रोज़ एक दिन उसने झटक के पटक के माँ के पास चली गई मैं जा रही हूँ यू डोंट लव मी चली गई गोलकुंड में पैकिंग करनी शुरू कर दी पीछे पीछे वसुधा बहन गई वसुधा बहन कहती है माँ ने कार्ड भेजा तुम्हारे लिए ओके रख दो वहाँ पर सुनोगी नहीं माँ ने क्या कहा तुम्हारे आने के बाद अच्छा बोलो क्या कहा माँ ने अब देखिए क्या नखरे करके गई हैं माँ ने कहा शी डज नॉट नो हाउ मच शी लव्स मी ये भगवान देख सकते हैं इसलिए उनका प्रेम हमेशा इंटेंस और इटर्नल रहता है वो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा वो जानते हैं देखिए उस प्रेम के लिए मानव रूप धारण करके विष्णु भगवान राम जी का रूप धारण करके रावण के साथ युद्ध तक क्योंकि रावण तो भूल गया है कि मैं तो श्रापित हूं पर राम नहीं भूले माता सीता नहीं भूली है उसके साथ चली जाती हैं वो माता सीता के पास आके कैन एनीबडी सर्वाइव वो तो स्वयं साक्षात शक्ति हैं लेकिन वो जाती हैं था तो मेरे द्वारपाल था ना ठीक है अज्ञान में प्रेम कर रहा है शायद बदल जाए रहूंगी मैं अशोक वाटिका में इतना तो मैं जानती हूं अब सोचिए वो माता सीता जो एक तृण से रावण को रोक लेती हैं जब रावण आता है ना पास में तो कहते बस रावण चंद्रहास ये सब अपनी जगह रखो इसको क्रॉस मत करना कांप जाता है रावण कि ये कौन है जो इतने कॉन्फिडेंस से उस समय उनका जगत जननी का रूप आता है डोंट क्रॉस दिस पर वो माता सीता कैसे आ जाती हैं जैसे वो ले गया हरण कर लिया ये लीला है उनकी कि बदल जाए कम से कम प्रेम के वश तो भगवान का प्रेम ऐसा है जो वो कभी नहीं बोलते हैं वो इटरनल इंटेंस जन्मों तक चलता है सदैव चलता है और मनुष्य भी जब भगवान से जुड़ता है तभी उसका प्रेम इटर्निटी और इंटेंसिटी दोनों का प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं ज्ञान योग का बेस क्या सांख्य दर्शन है प्रकृति मन बुद्धि इंद्रियाती स्टेप बैक बहुत आवश्यक हैं नाम स्मरण से भी सार्थक प्रकृति से अलग हो सकता है तो ये uh, सांख्य दर्शन एक दर्शन है योग नहीं है अगर आप एक्चुअली जाएंगे वेदांग में ये सारे तो सांख्य इज वन ऑफ देम मी मानसा इज अनदर न्याय अलग है वैशेषिका अलग है ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब क्या है वो क्या कर रहे हैं सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच के संबंध को समझने की चेष्टा कर रहे हैं वह शिशि का क्या कर न्याय क्या कर रहा है वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन्फ्रेंस डिरेक्शन अनुमान प्रतिमान आप्तवाक्य प्रमाण तो अनेकों प्रमाण के, तो अने के द्वारा वो पकड़ने की चेष्टा कर रहा है हमारा भगवान का संबंध सांख्य क्या कर रहा है वो कैलकुलेशन के माध्यम से कितने उपादान हैं सब कर दिया उसने मेजरमेंट इतने कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया इत्यादि इत्यादि लेकिन ये सब क्रियान्वित कैसे होती है तो जड़ हैं तो उसको क्रिएट जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वर्ड नहीं यूज़ करती इंटेलिजेंस है क्रिएटिव पार्ट नहीं आता है वो तो प्रकृति है जो कर रही है सब लेकिन वो प्रकृति उस पुरुष के इंटेलिजेंस उसका जो प्रकाश इस पर पड़ता है तो वो एक्टिव हो जाती है और जब उससे पुरुष खींच लेता अपने प्रकाश को तो समाधिष्ट हो जाता है दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ आधा अधूरा ज्ञान इफ यू लाइक बट उसमें इट डज़ नॉट एक्सप्लेन प्रकृति इट डज नॉट एक्सप्लेन क्रिएशन इट डज़ नॉट एक्सप्लेन कि ये क्यों ये सब शुरू हुआ बहुत सारी चीज़ें उसमें अनएक्सप्लेन रह जाती हैं हाँ वो पंचभूत का जो बनना ऑल दैट इज़ वैलिड सांख्योग का मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल्स बट अल्टीमेट ज्ञान उसके माध्यम से नहीं आता है कोई इससे संतुष्ट है ठीक है साक्षी भाव से हमको इस संसार से अलग होना है तो इट्स ए वेरी पावरफुल मेथड लेकिन उसका क्या करें जो संसार को समझना चाहते हैं उसके अंदर भगवान के नृत्य को जानना चाहते हैं वहाँ सांख्य अपूर्ण रह जाता है वहाँ गीता आती है और जो इस संसार की नियति जानना चाहते हैं जो श्री कृष्ण हिंट दे के छोड़ देते हैं वहाँ श्री अरविंद आते हैं तो सांख्य दर्शन एक ज्ञान का एक मार्ग है लेकिन बहुत ही अपूर्ण ज्ञान का पर अगर कोई संतुष्ट है उससे तो इट इज नथिंग रॉन्ग बट इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टेपिंग बैक विटनेसिंग दैट इज द वे कि भाई हम प्रकृति में रमा हुआ जो है ये पुरुष तत्व उससे अपने को एक्सट्रैक्ट कर उसको सेंक्शन नहीं करेगा इस योग में भी इसका ये फर्स्ट स्टेप है आप जो प्रकृति की जो गतियाँ हैं कई सारी चीज़ें जो आदत हैं उनको आप सेंक्शन नहीं कर रहे हैं अंदर से अनुमानता नहीं आप साक्षी हैं तो धीरे धीरे हम उससे अलग हो जाते हैं सो दिस इज़ यस ए फर्स्ट स्टेप इफ़ यू लाइक टू वर्ड सेल्फ नॉलेज बट जैसा हमने देखा इट इज़ नाम स्मरण से भी साधक प्रकृति से अलग हो सकता है बिल्कुल हो सकता है भगवान नाम और रूप में इसीलिए आते हैं कि ताकि हमको नाम और रूप से मुक्त कर सके पैराडॉक्स है क्योंकि हम अगर हमको नाम और रूप की आदत है अरूप भगवान अजीब लगता है कुछ सहारा तो दो सपोर्ट तो भगवान कहते हैं मैं रूप धारण करता हूं नाम धारण करता हूं अब क्या हो गया अब आपने कृष्ण 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 बुलाना शुरू किया नाम है कृष्ण का रूप है अब प्रॉब्लम क्या हुई इसके बाद और कोई रूप भाने नहीं लगा सारे रूप उसके पीछे आप किसको ढूंढ रहे हो द वन फेस ऑफ द बिलविड बिहाइंड ऑल द फेसेस अब हो गई ना प्रॉब्लम उसको मजे ही नहीं आ रहा है कोई और उसमें क्यों लत लग गई है उसको राम धुन लग गई उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है मा माँ 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 उसके बाद आप हाँ मरा मरा वाल्मीकि की कहानी तो यही है मरा 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 राम 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 हो गया तो नाम रूप के माध्यम से नाम रूप के बंधन से मुक्ति नाम और रूप भगवान का देता है इसीलिए वो मानव देह में ये एक कारण है कई और चीज़ें हैं भगवान खुद को प्रकट करते हैं ताकि हमको उससे डेफिनेटली इट इज़ ए पावरफुल वे टू बी फ्री फ्रॉम प्रकृति पर अगेन प्रकृति से भिन्न होना ये योग का अंत नहीं है अरविंद के योग का निम्न प्रकृति से हम अलग हो, होना ये आवश्यक है लेकिन निम्न प्रकृति के पीछे क्या है परा प्रकृति जीवभूता एक डिवाइन नेचर है उसको यहाँ एम्बॉडी करना उसके लिए जगह बनाना निम्न प्रकृति कहाँ से आई है निम्न प्रकृति में क्या है वही चीजें ना भगवान के अंदर है लव है विल है डिज़ायर्स हैं ये इम्पल्शंस हैं पैशन है नॉलेज है. है एक तरह की जिसको हम इग्नोरेंस कहते हैं इसका सोर्स कहाँ है लव का सोर्स कहाँ है डिवाइन नॉलेज का सोर्स कहाँ है डिवाइन जो भी थोड़ी बहुत शांति मिलती है, उसका सोर्स कहाँ है डिवाइन जॉय सुख दुख उसका ओरिजिन कहाँ है ब्लिस डिवाइन पावर जो सीमित पावर है उसका सोर्स कहाँ है डिवाइन तो उस डिवाइन पावर जिसकी वो हम लिमिटेड एडिशन है उस लिमिटेड में लिमिटलेस का आना इसको ईशुपनिषद ऐसे कहती है विद्यांच अविद्यांच यस्त ध्वेदो भयम सह अविद्यांच मृत्युम तीर्थवा विद्यांच अमृतम अश्नुते जो एकत्व में रहता है लेकिन अनेकत्व के साथ डील करता है और बेटर डील करता है क्योंकि आपको फिर समस्या नहीं हो रही अरे ये मेरा अपना था उसने अब वो आपको दिमाग में वही चल रहा है आप जानते हो कि ये सब उन्हीं के रूप हैं तो ये जो है ये एक लिमिटेड अभ्यास होता है प्रकृति से फ्री हो जाना जर, एक एक लेवल पर जरूरी है निम्न प्रकृति की पकड़ से लेकिन परा प्रकृति को इस प्रकृति में एम्बॉडी करना रूपांतरण के द्वारा ये सी अरविंद के योग का लक्ष्य है अगर वो नहीं होगा तो यहाँ दिव्य जीवन नहीं हो सकता है एक व्यक्तिगत मोक्ष हो सकता है लेकिन उपनिषद बताती है ईश उपनिषद की वो भी एक प्रकार की एक अंतिम लास्ट इल्यूजन मोक्ष की निच के मोक्ष की कामना इसलिए श्रीमद भागवत कहती है ना कि मैं हजार बार आना चाहता हूँ मुझे मोक्ष की लालसा नहीं है तो वो एक अल्टीमेट स्टेज है तो आप कोई जैसे जैसे संतुष्ट वैसे वैसे टू ईच हिज ओन वे हाउ हाउड स्पिरिचुअलिटी अलाइन विद द फंक्शनैलिटीज ऑफ चैट जीपीटी इन टूडे वेरी नाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मन की एक सृष्टि है मन एक खूब विस्तार में फैल रहा है मन की कैपेसिटी एक है एक्सप्लोर करता है इन्वेंटर है क्रिएटर है तो मन बहुत तरह से अपने अंदर की संभावना को प्रकट करता है उसमें से साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी इत्यादि इत्यादि अब इसमें लोग कहते हैं बहुत अच्छा है क्यों हमको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा दो समस्याएं हैं हर मशीन जो आपके लिए जीवन आसान बना रही है उतना ही वो आपसे आपकी ऑटोनॉमी छीन रही है उतना ही आपसे विकास की संभावना को छीन रही है जब हम लोग छोटे थे सॉरी टू साउंड लाइक हमारे ज़माने नहीं, नहीं नहीं लेकिन जब छोटे थे तो ट्रेडमिल हमको नहीं पता था हमारा जीवन एक ट्रेडमिल था सुबह उठ के जाते थे फूल तोड़ के लाते थे मेरा तो ये पापा पूजा कर रहे हैं फूल तोड़ के लाते थे उसी में सारा हमारा चैट जीपीटी होता था क्या हो रहा है क्या नहीं दोस्त लंगड़ मिल के आम के पेड़ पे भी चढ़ते थे सब होता था साइकिलिंग करके स्कूल गए फिर सुविधाएं आ गई फिर हार्ट डिज़ीज़ होने लगी ये होने लगा तो क्या आया ट्रेडमिल आया और क्या आया कार में जाके पार्क में आप वॉकिंग करते हैं हुआ ना ये एक एवरी इसको कहा गया है एक इसका टर्म है एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड्स टू ए बायोलॉजिकल एम्प्यूटेशन हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे सीखा था बचपन में पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं पंद्रह का पंद्रह पंद्रह दोनी तीस ती पैतालीस चौकों साठ दाम पचहत्तर छक्का नब्बे <laughs> ऐसे करके जाता था जगन डेढ़ सौ मजा आता था उसको फिफ्टीन का टेबल ऐसे तो सब कई चीज़ें ऐसे सीखी थी वेद कैसे ट्रांसमिट हुए थे स्मृति कितने सुंदर ढंग से ईशावास्यम ईशावास्यम इधं सर्व ईशावास्यम इधं सर्व यत्किंच ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगत जगत ईशावास्यम इधम यत्किंच जगत्याम जगत त्याम जगत तेन तीन तेन तीन भुंजिता तेन त्यक्न भुंजिता मघय तेन त्यक्न भुंजिता मघय कस्य सुधर आपकी क्या हो रही थी मेमोरी की ट्रेनिंग हो रही थी ना अंडरस्टैंडिंग हो रही थी चैट जीपीटी हमको कहीं सोचना बंद करना ना सिखा दे <laughs> क्योंकि जब आने वाले समय में लोग चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे ये हाल में हुआ था ना जिसके चलते बड़ी प्रॉब्लम हुई थी टेल अस समथिंग अबाउट लॉर्ड रामा क्या है था आंसर मिथोलॉजिकल कैरेक्टर जब पूछा गया टेलस अबाउट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आंसर आया आई वी शुड नॉट टॉक अबाउट रिलीजन क्यों चैट जीपीटी के पीछे भी वही इंसान बैठे है ना ट्रांसफॉर्म्ड तो ए आई टूल है यदि मनुष्य की चेतना आसुरिक रहेगी तो समझो वो ब्रह्मास्त्र बंदर के हाथ में एटम बम आ गया क्या करेगा गॉड ओनली नोस इसलिए विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देर इज एन अर्जेंसी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द ह्यूमन टू द स्पिरिचुअल ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन की अधिकारिता चाहिए नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के, के हाथ में आएगा क्या होने वाला है नेक्स्ट यू डोन्ट नो ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं तो ये जो चीज़ें टेक्नोलॉजी इज़ नाइस नॉट वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी लेकिन इसका मिस जो है और इसको कई लोगों ने फोर्स ही किया है ऐसे कैसे मोब ने तो किया ही है पिक्चरें बनी हैं इस पर हम जिसको सोच रहे हैं कंट्रोल करें वो हमको कंट्रोल ना करने लगे ऐसा ना हो कि एयर कंडीशन हमें इतना एक तो पोल्यूशन करे वो एक अलग बात है यही करते हैं ना वो सारे वो जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट एयर कंडीशन फ्लाइट्स लेके एयर कंडीशन कमरे में बैठ के संसार में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या डिस्कस करते हैं <laughs> मिथ्याचार है तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी अपने ढंग से लेकिन अर्जेंसी है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की यही बात श्री अरविंद दिव्य जीवन में रहते हैं कि कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली इतनी एक एडवांस उसमें पहुंच गए कि वी आर फेसिंग एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस मन ने ये सब प्रकट कर दिया और और करेगा और यदि मानव चेतना मन को पार नहीं कर सकी तो जैसे भीम की गदा किसी के हाथ में दे दी नौसिखिए के बिना एक्सरसाइज के हाथ में पकड़ा दी तो क्या होगा उसके ऊपर गिरेगी उसी को पहले मारेगी तो इसलिए ये एक इवोल्यूशनरी क्राइसिस क्रिएट कर रही है सेम थिंग माँ बहुत बाद में कहती है श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड और अंत में कहती है एंड आई मस्ट एड टाइम प्रेसेस अर्जेंट है एआई आ गया अच्छी बात है मतलब अच्छी बुरी अभी आ गई है ओके okay? तो अब हमको एस SI और डी लाना है हमको अपने सॉफ्टवेयर को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और डिवाइन इंटेलिजेंस की तरफ ले जाना है ऐसा ना हो कि हम उससे इतने मोहित हो जाएं कि हम उस मार्वेल को पकड़ के देखिए आया ना विज्ञान में भी आया सर्जरी आई कितनी अच्छी ये वैक्सीन आई दवाई आई हमारी नेचुरल इम्यूनिटी का तो थप्पा बैठ गया तो ये सारे एडवांसमेंट के साथ ये समस्या होती है और अब वो धीरे धीरे ऐसे चरण पे आ गया है जहाँ पे मैन मस्ट इवॉल्व टू द नेक्स्ट लेवल ताकि उस सुपरमैन की उपस्थिति के कारण ये चीज बन गई है लेकिन ये गलत हाथों में ना जाए बच्चे अगर चैट जी पी पिटी पर होमवर्क करेंगे तो उनकी बुद्धि का क्या होने वाला है गॉड ओनली नोस हिस्ट्री का होमवर्क कर रहे हैं चैट जीपीटी ने दे दिया आपने कुछ बुद्धि नहीं लगाई जिसने चैट जीपीटी टी क्या है डेटा फीड किया है ना किसी ने लोगों ने यह भी कहा कि चैट जीपीटी आपको वो पीपल आर प्लेइंग इवन विथ शोरबिंदु की राइटिंग्स वो पोएम के ऊपर मैंने कहा दैट्स नॉट द पॉइंट यू हैव मिस्ड द पॉइंट जब आप पढ़ते हो उसके बाद आपके अंदर जो जॉय आता है ग्रो करते हो कॉन्शियसनेस में तो ये डेंजर्स हैं इट्स ए टूल बट चांसेज आर आज जो मनुष्य जिस चेतना में पड़ा है इट विल बी यूज बाई रोंग हैंड्स एंड अर्जेंसी दैट इट शुड इट कैन बी यूज फोर गुड एंड्स नो डाउट अबाउट इट बट इट विल बी यूज बाई रोंग हैंड्स एंड इट इज गोइंग टू लीड टू येट एन अदर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एम्पुटेशन ठीक वैसे जैसे व्हाट्सएप ने जोड़ा भी और तोड़ा भी घर तोड़ दिए व्हाट्सएप ने है ना सारे दिन तुम व्हाट्सएप पर लगे रहते हो मेरे से बात करने का टाइम नहीं है बाकी सब दुनिया की खोज खबर ले रहे हो हम कहते हैं उसने जोड़ दिया संसार को बहुत अच्छा जोड़ा घर को तोड़ दिया पहले <laughs> फेसबुक फ्रेंड क्या होता है, है ये हम भूल ही गए उस पर ये चाह रहे हैं कि फेसबुक मेरे कितने फ्रेंड्स हैं कितने लाइक्स आ रहे हैं देखिए ये चेतना उसका इट वॉज ए नाइस यू कुड यूज इट इन ए नाइस वे टू कम्युनिकेट तो इसलिए ए आई चैट जी पी टी विल मेक लाइफ ईजी एट वन लेवल बट रिटार्ड द इवोल्यूशनरी इम्पलशन एट एनदर लेवल कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं तब हमको टाइम होगा सेल्फ इवोल्यूशन के लिए कुछ नहीं होगा टाइम होगा आपके पास जो मनुष्य और चीज़ों में बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं चैट जीपीटी के एडिक्ट होकर बर्बाद करेंगे कुछ लोग कह रहे हैं टाइम मिल जाएगा तो टाइम का हम क्या करेंगे टाइम मिला था ना ये सारी जो टेक्नोलॉजी आई थी कंप्यूटर आया था तो टाइम मिला था ना उस टाइम का हमने क्या किया वी स्टॉप्ड वी फरगॉट हाउ टू स्टैंड एंड स्टेयर जो वंडर तारों को देख के हम भूल गए ना हम घुस गए कंप्यूटर के अंदर तो ये रिस्क है टाइम मिलेगा और उस टाइम का खुलेआम दुरुपयोग होगा क्योंकि टाइम को यूटिलाइज कौन कर रहा है वो व्यक्ति जो अंदर में उसके अंदर अगर कोई एस्पिरेशन नहीं है कोई हायर कॉन्शियसनेस की चाह नहीं है तो वो इसका भी वैसे उपयोग करेगा सो इट इज इट हैज़ क्रिएटेड इन अर्जेंसी फॉर इवोल्यूशन और हम सब जो उपस्थित हैं जो इस वी शुड अंडरस्टैंड द नेसेसिटी इवन ग्रेटर ऑफ इवोल्यूशन नेक्स्ट towards a higher कॉन्शियसनेस the स्पिरिचुअल एंड the supramental. ठीक है लोग तो रुकते हैं जय माँ